नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट खबरें देते रहे। दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह हुई है। आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बेंगलोर की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम मात्र 70 रनों पर आउट हो गई। बेंगलुरु से मिले 71 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने मात्र 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दोस्तों, इस मैच में बेंगलुरु की तरफ से बल्लेबाज विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे धुरंधर भी अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए और सस्ते में आउट हो गए। इन दोनों बल्लेबाजों का आउट जल्द होना ही आरसीबी का जल्दी ऑल आउट होने का प्रमुख कारण बना। टीम ने 70 रन पर आउट होते ही एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आरसीबी ने चेन्नई के खिलाफ अपना तीसरा सबसे कम स्कोर बनाया। वह इससे पहले कोलकाता के खिलाफ 49 और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 70 रन पर ऑल आउट हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी टीम को अपना अगला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ 28 मार्च को खेलना है और अगर आरसीबी टीम को अपने आने वाले मैच में अच्छा प्रदर्शन करना है तो उनको अपने पिछले मैचों की गलतियों को भुलाकर एक नए सिरे से मैदान पर उतरना होगा और अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दोस्तों, आरसीबी टीम की सबसे बड़ी ताकत है उनके कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर ये दोनों ही बल्लेबाज आरसीबी टीम के लिए रन बनाते हैं तो उन्हें मैचेस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, आने वाले मैचों में डिविलियर्स और विराट कोहली को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अगर आरसीबी टीम को इस सीजन का चैंपियन बनना है तो उनके कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के साथ साथ अन्य खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर टीम के सभी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टीम को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप आरसीबी टीम के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।